श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम बनाने जा रहे हैं 4 नंबर लड्डू गोपाल की एक बहुत ही सुंदर ड्रेस। मैंने ड्रेस के साथ इनके सिंहासन का भी कवर बनाया है और छतर भी बनाया है। मैंने कपड़े की लंबाई ली है 5.5 इंच और कपड़े की चौड़ाई मैंने 43 इंच ली है। इसके ऊपर ये वाइट कलर की लेस लगाई है। इसे फोर्क सिलाई को लगा के ऊपर से सिलाई लगा देनी है। एक मैंने 2.5 इंच लंबा और 43 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है, उसके ऊपर इसी रंग से लेस लगा दी है। ऊपर से 2 इंच छोड़ के यहाँ पे हमने ये फ्रिल अटैच कर देनी है। ये हमने अटैच कर दी है और साइडों से इसे फोल्ड कर देना है। अब हमने यहाँ पे फ्रिल लगाई है, उस सिलाई के ऊपर हमने ये वाइट कलर की लेस लगा दी है। अब हमने छोटी छोटी चुनटे लगानी है घेरे के लिए। हमारा घेरा तैयार हो गया है। इसकी लंबाई हमने 6 इंच ली है। ये हमारा घेरा तैयार है। अब हमने 1.5 इंच लंबा और 7 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। इसे साइडों पे फोल्ड कर देना है। ये हमने घेरे के ऊपर लगाना है, ऐसे इस ढंग से अटैच करना है। बीच में हमने डोरी रख देनी है। इसे सिलाई लगा दी हमने। अब हमने एक कपड़े का पीस लेना है 5 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा। ये चोली के लिए है। इसे डबल फोल्ड करना है। इसे एक बार और फोल्ड करना है। अब नीचे से हमने 1.25 इंच और ऊपर से 1 इंच लेना है। इसे तिरछा मिला देना है। इसकी कटिंग कर देनी है। अब इसे हमने उल्टी साइड से ही दोनों तरफ सिलाई लगा के इसे सीधा कर लेना है। ऊपर से हमने डोरी रख के इसे सिलाई लगा देनी है। अब हमने कपड़ा लिया 3 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। इसे डबल फोल्ड करके इसके ऊपर भी हमने ये लेस लगा देनी है। इसकी भी छोटी छोटी चुनटे लगानी है चोली के ऊपर अटैच करने के लिए। ये हमारी चोली तैयार है। इसमें हमने डोरी लगा दी है। चोली तैयार हो गई हमारी। ये 3 इंच लंबा और 12 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। पटके के लिए इसे डबल फोल्ड करना है। इसे एक बार और फोल्ड करना है। ऊपर से 1 इंच रख के हमने इसे तिरछा मिला देना है और कटिंग कर देनी है। अब हमने पटके के किनारे पे हमने दोनों तरफ लेस लगानी है। दोनों लेस लगानी है वाइट कलर की और इसे उल्टी करके सिलाई लगा देनी है। और जहाँ से हमने हिस्सा छोड़ा है वहाँ पे भी सिलाई लगा देनी है। अब हमने 2 इंच लंबा 2 पीस लिए हैं और चौड़ाई में हमने 33 इंच लिया है। अब किनारे पे सिलाई लगानी है दोनों के और इसे सीधा कर देना है। अब हमने ये दोनों पट्टियों को इस ढंग से अटैच करना है नीचे गम लगा के, कि हमारे दोनों लेयर नज़र आए। एक तरफ से नीचे की तरफ जाना है और दूसरी तरफ ऊपर की तरफ लेके आना है और साथ साथ गम लगाते जाना है। हमने एक तरफ से दिखाई देने वाली लेयर लगाई है, दूसरी तरफ से दोनों पट्टियाँ नज़र आती हैं। इस ढंग से थोड़ा टाइट हाथ से करना है और गम को लगाते जाना है। इस तरह से घुमाते जाना है। हमारी तीसरी लेयर भी आ गई है। इस ढंग से घुमाना है और जितना कपड़ा बच जाता है उसे पीछे की तरफ लेके जाके
अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अच्छे कमेंट देना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।